देखो मैं चंडीगढ़ जाने से पहले इस दोची ट्रेन के जो मेरी विधानसभा में एरिया आ रहा था, लेफ्ट और राइट साइड की दोनों मैंने पिक्स खींच खींच के नगर निगम में भेजी, कमिश्नर मैडम से बात करी और उन्होंने वहाँ जेसीबी लगाई। फिर मैं आज आया, कल भी मैंने इस रोड पे देखा कि भाई वो सफाई उस हिसाब से नहीं हो पाई। और अब की बार चंडीगढ़ में मंगलवार को जब हमारी विधानसभा की कमेटी थी लोकल बॉडी की, तो इसमें हमारे भड़कल की विधायिका बहन सीमा तिरखा जी ने उस कमेटी में ये इको ग्रीन की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाया जी, कि जिस टर्म्स कंडीशन पे ठेका दिया गया था, जो शहर की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो इको ग्रीन काम नहीं कर रही, पूरे शहर को इको ग्रीन ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया जी। जबकि इको ग्रीन को ठेका दिया गया था, उसको सरकारी ज़मीनें दी गई हैं कि एक एक घर से कूड़ा इकट्ठा होगा, कवर्ड एरिया में वो उसको सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेशन के बाद जो सूखा कूड़ा बच जाएगा उसको वो अलग करके और गीले कूड़े को जो बंदवाड़ी में गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे डंप यार्ड है वहाँ ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। परंतु बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जहाँ जगह मिल रही है इनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं वेंडिंग सिस्टम नहीं था, मर्डर तक हो गए फरीदाबाद में इको ग्रीन के कूड़े को लेके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंसेप्ट दिया कि वेस्ट टू वेल्थ, शायद उन्होंने आम जनता के लिए सोचा होगा कि आम जनता कूड़े में से कैसे आमदनी करे, परंतु शासन प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारी फरीदाबाद नगर निगम के, जिनकी वजह से आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, उन लोगों ने इस वेस्ट में से वेल्थ कमाना सीख लिया कि कूड़ा उठे ना उठे वेल्थ जरूर हो जाए। आज 40 वार्ड हैं, इको ग्रीन ने 40 वार्डों में तो वेंडर बना दिए, उसके टेंडर में कहीं वेंडिंग का कंसेप्ट नहीं है। और उसके बाद वो वेंडर क्या करेंगे, जो सूखा कूड़ा है, प्लास्टिक है, गत्ता है, उसको तो बेचा, बाकी गीला कूड़ा जहाँ जैसे मन आया उसका कर दिया। अब ये देखिए, ये इन्होंने हमारे कौनसी ट्रेन की तो ग्रिल तोड़ दी, ये इन्होंने पैसों से ग्रिल लगाई थी, साथ में ये इको ग्रीन की गाड़ी है, करोड़ों रुपए की सड़क है, आप इस सड़क पे चल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते बिल्कुल, सारी रोड पे कूड़ा है, सूखा कूड़ा छाट के ये बेच देंगे, गीला कूड़ा वापस हमारा इसी गोची ट्रेन में आएगा, फिर बारिश आएगी, गोची ट्रेन को जितना मर्जी साफ कर लो, जितनी जेसीबी लगा लो, उसके बाद लोगों के घरों में पानी जाएगा, गालियां पड़ेंगी नेताओं को, परंतु इको ग्रीन वालों से कहने वाला कुछ नहीं। जब इन पे कार्रवाई का नंबर आता है, ये अफसर मिलके मिस्ड वोट कर देते हैं। और सीवरेज की व्यवस्था तो इतनी ख़राब हो गई है हमारे इलाके में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, जनता के पैसे की रक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाए, पार्षद इकट्ठे हो के नगर निगम कमिश्नर के पास जाते हैं कि इन अधिकारियों पे कार्रवाई मत करो, भाई क्यों ना करो, ये लूट का हिस्सा तो अधिकारी हैं, अगर जो अधिकारी अपना काम संयम से ईमानदारी से करना चालू कर दें, चाहे नेता कोई भी सिफारिश करे उसको दरकिनार कर दें, मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद की जनता को सुख सुविधा देने से कोई रोक सकता है। करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए, जरा सा इसको लेके आओ आप, क्या देश की स्थिति है, ये गाड़ी भगा के ले गए, कोई ना चाइल्ड लेबर।